इस वक्त बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां भेल्दी सोरो जा रही यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई, जिसमें बस में सवार 3 महिलाओं समेत कुल 8 सवारी घायल हो गए। घटना में एक अन्य गाड़ी को बचाने में यह घटना हुई। घायल लोगों को गड़खा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और घायलों में एक 65 वर्षीय महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटनास्थल पर पहुंचे गड़खा के CEO मोहम्मद जवाद आलम ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की गई और घटनास्थल पर एम्बुलेंस के साथ पहुंचे घायलों को दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के अंदर से निकालकर इलाज के लिए भेजा गया है। तो गड़खा PHC में घायलों को भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि एक यात्री बस जो है गड्ढे में पलट गई, जिसमें लोग घायल हुए हैं। इसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जो 65 वर्षीय महिला है और एक गाड़ी को बचाने में ये बस पलट गई गड्ढे में। और घटना के बाद वहां CEO जावेद पहुंच गए जब्बाद आलम और उन्होंने ये बताया कि जो घायल है उन्हें एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है इलाज के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ और एक यात्री बस गड्ढे में गिर गई। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी को बचाने के क्रम में ये घटना हुई है और ये यात्री बस वहाँ गिरी है। छपरा से यह खबर, जहाँ भेल्दी में ये घटना हुई है और भेल्दी से सोरो जा रही थी यात्री बस, छपरा से भेल्दी सोरो जा रही थी, जिस दौरान रास्ते में ये बस गड्ढे में पलट गई। घटना बस एक्चुअल में छपरा से आ रही थी, भेल्दी की तरफ जा रही थी जी, और आगे ये स्कॉर्पियो था जी, और उसको बचाने के चक्कर में ये साइड लिया जी, और ये ढुलते हुए चला या नीचे सड़क अपने नियंत्रण खो बैठा ड्राइवर जी, और ढुलते हुए नीचे आके पलटा नहीं लेकिन पलटी के तरफ थोड़ा सा पलटी मार दिया, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। जिसे पता चला तुरंत हम लोग एम्बुलेंस भेजे जी, और सूचना पुलिस को। और संवाददाता जाकिर फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं छपरा से। जाकिर, ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं, एक ही हालत नाजुक बताई जा रही है, फिलहाल क्या जानकारी है? ये घटना जो है ये दरगाह थाना क्षेत्र के अलोनी गांव के समीप घटी है, जहां एक फोर व्हीलर को बचाने के चक्कर में बस चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया स्टीयरिंग से, जिसके बाद उसकी गाड़ी जो है वहां पे पलट गई सड़क के किनारे, जिसमें बताया जा रहा है कि 8 लोग, जिसमें 3 महिलाएं हैं और एक बच्चा है और 3 से 4 पुरुष हैं जो घायल हुए हैं। हालांकि घायलों की हालत बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन एक महिला जो 65 वर्षीय महिला है उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनको गड़खा CHP से कटरा सदर अस्पताल इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाकिर, हमारे संवाददाता बता रहे थे। घायलों की स्थिति फिलहाल ठीक ठाक है और एक महिला जो है उनकी हालत थोड़ी नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें कि एक फोर व्हीलर को बचाने में ये घटना हुई है।